केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए 7 नए चयन बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि 2 चयन बोर्ड पंजाब में स्थापित होंगे, जिसके जरिए सेना में भर्ती की जाएगी, जबकि 3 बोर्ड विशाखापट्टनम में सेना के लिए स्थापित होंगे। इसी तरह गुवाहाटी और अहमदाबाद में एक एक केंद्र वायुसेना में भर्ती के लिए स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि सशस्त्र सेनाओं की ओर से रक्षा सेवाओं के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान चलाया गया है, ताकि युवक सेना में भर्ती के लिए आगे आएं। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने पोर्टब्लेयर और मुख्य भूमि के बीच फ्लाइट से यात्रा के लिए भाड़े की अधिकतम सीमा तय किए जाने पर बल दिया है। नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और हवाई भाड़े जैसे मुद्दों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य सचिव आनंद प्रकाश से कहा कि हवाई भाड़े की अधिकतम सीमा तय करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया जाए। बैठक के दौरान विभिन्न सेक्टरों में लागू हवाई भाड़े की तुलनात्मक समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे रोजगार और मुख्य भूमि के बीच क्रिसमस के आसपास हवाई भाड़े पर विशेष रूप से नजर रखें। चर्चा के दौरान आयुक्त और सचिव ने बताया कि रोजगार और मुख्य भूमि के बीच चार्टर्ड फ्लाइन शुरू करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इसके तहत रोजगार के चेन्नई और कोलकाता के बीच हर सप्ताह एक फ्लाइट संचालित किए जाने की योजना है। उपराज्यपाल ने एनएसओ को निर्देश दिया कि वे विमान सेवाओं में कुछ सीटें आरक्षित कर रखें, ताकि ये सीटें आपात स्थिति में जरूरतमंद यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके। इस बीच प्रशासन कार निकोबार को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए कदम उठा रहा है। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से संपर्क किया गया है। इस संदर्भ में संबंधित मंत्रालय और विभागों के प्रतिनिधियों का एक दल जल्द ही इस समूह के दौरे पर आने वाला है। नेवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्टब्लेयर को नौसेना प्रमुख की ओर से इकाई प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नौसेना का यह प्रतिष्ठित सम्मान इस केंद्र को पिछले दिनों नौसेना दिवस के अवसर पर दिया गया। नेवल शिप रिपेयर यार्ड अंडमान निकोबार कमान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान है। इसके मरम्मत यार्ड में इन दिनों जानकारी सेवा निदेशालय के बाद एमवी जोरिंग की मरम्मत की जा रही है। एनसीसी महानिदेशालय मिशन एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल गुरु मिशन एवरेस्ट के 3 मीटर की रोड है। अंडमान निकोबार कमान के जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान एनसीसी की लड़कियों के लिए है। इस कमी से एनसीसी महिला कैडेट इस पर्वतारोहण अभियान में शामिल होने के लिए सीमित एजेंट इंडस्ट्री कंपनी एनसीसी को दर्ज संपर्क कर अपना नाम दर्ज करवा सकती है। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के स्तर पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के विरोध में पार्टी द्वारा पार्टी की ओर से शिक्षा निदेशालय के सामने आज सुबह 9:30 बजे आयोजित होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश महासचिव विधानसभा ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा चलाने के कारण धरना प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से अगले माह पोर्टब्लेयर की आईजीएम मैदान में आयोजित होने जा रहे पर्यटन महोत्सव में सरल आवेदन के लिए प्रतिभूति राशि को वृद्धि की गई है। अब प्रत्येक स्थल के लिए प्रतिभूति राशि 2,600 रूपये की होगी। मेरा तलाशी विधायक की धनराशि वापस कर दी जाएगी। निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने पर जमा सजा भी जब्त हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जहाज नरू व केंद्र रक्तदान मनरेगा और खेल और अब समाचारों की अपनी कड़ी के साथ ज्योति लगड़ा।